अगर तटस्था वक्र की बात करें तो इसको सबसे पहले जो इसका प्रतिपादन है वो एजवर्थ ने किया और उसके बाद पैरेटो ने इसका प्रयोग किया, लेकिन इसको वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय हिक्स और एलन को जाता है। हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इसका यूज किया। तो अगर हम बात करें तटस्था वक्र की, तो सबसे पहले हम तटस्था वक्र को समझने से पहले तटस्था वक्र की मान्यताओं को समझते हैं। सबसे पहली मान्यता है विचारवान उपभोक्ता। इसका अर्थ है कि इस थ्योरी में यह मान लिया गया है कि उपभोक्ता विचारवान है, वो अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। दूसरी इसकी विशेषता है क्रमवाचक उपयोगिता। इसका मतलब हिक्स ने मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता को त्याग कर दिया और उसके स्थान पर क्रमवाचक उपयोगिता का प्रयोग किया। इसका मतलब यह हुआ कि हम वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता को माप नहीं सकते, लेकिन उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं, यानी कि कौन सी वस्तु आपको अधिक पसंद है और कौन सी कम पसंद है, इसे आप क्रमबद्ध कर सकते हो। तीसरा है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। तटस्था वक्र घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अगर आप x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हो एक इकाई की, तो आपको y वस्तु की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा और एक और मात्रा बढ़ाने के लिए x वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा और एक और मात्रा बढ़ाने के लिए आपको 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। चौथी दो वस्तु, इस अप्रोच को केवल 2 वस्तुओं तक ही सीमित रखा गया है, अर्थात तटस्था वक्र की यह मान्यता है कि उपभोक्ता केवल 2 वस्तुओं का ही प्रयोग करता है। एक दिष्ट अधिमान, इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता सदैव अधिक वस्तुओं को कम वस्तु की तुलना में अधिक पसंद करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो वस्तु उपभोक्ता को मतलब वस्तुओं के उस संयोग को पसंद करेगा जिसमें वस्तुओं की मात्रा अधिक हो। जैसे कि अगर 5x और 5y की कंपेयर में वो 10x और 5y को ही पसंद करेगा, यानी कि अधिक वस्तुओं की मात्रा को वो अधिक पसंद करेगा। इसी तरीके से अगर 10x और 10y का संयोग दिया जाए तो वो 10x और 15y को पसंद करेगा, यानी कि उपभोक्ता हमेशा ज्यादा वस्तुओं को ज्यादा प्राथमिकता देगा। तो उपभोक्ता का यह व्यवहार एक दिष्ट अधिमान कहलाता है। तटस्था वक्र की अगली विशेषता है संक्रमकता, यानी कि ट्रांसिटिविटी और समरूपता, कंसिस्टेंसी। संक्रमकता का अर्थ है कि यदि उपभोक्ता ए संयोग को पसंद करता है अधिक बी से और बी संयोग को पसंद अधिक करता है सी की तुलना में, यानी कि वो ए को अधिक पसंद करता है बी की तुलना में और बी को अधिक पसंद करता है कि सी की तुलना में, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सी के चुनाव की स्थिति में वह ए को ही अधिक पसंद करेगा सी की स्थिति में, यानी कि ए अगर अच्छा है बी से, बी अच्छा है सी से, तो ए अच्छा होगा सी से। उपभोक्ता का यह व्यवहार ट्रांसिटिविटी कहलाएगा। इसी तरीके से समरूपता का अर्थ यह है कि उपभोक्ता अगर गर्मियों में आइसक्रीम को पसंद करता है, चाय को कम पसंद करता है, तो सर्दियों में भी वो आइसक्रीम को ही अधिक पसंद करेगा, चाय को कम पसंद करेगा, अर्थात परिस्थिति बदलने से उपभोक्ता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम बात करें तटस्था वक्र की, तो तटस्था वक्र को हम एक तालिका की सहायता से समझा सकते हैं। जैसा कि तालिका में दर्शाया हुआ, जैसे कि तालिका में सपोज एक एक्स वस्तु को प्राप्त करने के लिए और वाई वस्तु की 10 इकाइयों का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता एक एक्स वस्तु के लिए एक एक्स वस्तु और वाई 10 वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है। अगर उपभोक्ता को एक एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो उसे वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, यानी कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर उसे मान लीजिए 3 वाई वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, यानी कि डेल्टा लॉस ऑफ वाई अपॉन डेल्टा गेन ऑफ एक्स, वो आएगा 3/1, यानी कि 3। अब प्रश्न ये है कि क्या उपभोक्ता एक और एक्स के लिए क्या 3 वाई का त्याग करना चाहेगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी वजह यह है कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे ही एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है, एक्स वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है, और वाई वस्तु की मात्रा में कमी करता है तो वाई वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपभोक्ता पहले एक एक्स वस्तु अगर 3 वाई वस्तु के बराबर संतुष्टि दे रही है, तो अब एक एक्स वस्तु केवल 2 वाई वस्तु के बराबर ही संतुष्टि प्रदान करेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि अब उपभोक्ता केवल दो वाई के लिए, दो वाई छोड़ेगा एक एक्स के लिए, यानी कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो एक रहेगा। इसी तरीके से एक और वाई के लिए, एक और एक्स के लिए अब वो केवल एक वाई का ही सेक्रीफाइस करेगा, इसका मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर उसकी एक आएगी। अगर हम बात करें तटस्था वक्र की, तो तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होगा, इसका कारण घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है। यानी कि उपभोक्ता अगर एक एक्स वस्तु प्राप्त करना चाहता है, दो तीन और चार, तो यहां पर वाई वस्तु की मात्रा होगी 10, 7, 5 एंड 4, ये संयोग ए बी सी और डी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी संयोगों में से कौन सा संयोग सबसे अच्छा है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अच्छा क्या होता है। अच्छा तब होता जब x वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जबकि y वस्तु की मात्रा समान रहती। अच्छा तब होता जब x वस्तु की मात्रा समान रहती और y वस्तु की मात्रा बढ़ती, या x और y वस्तु दोनों की मात्रा बढ़ जाती। इस स्थिति में उपभोक्ता पहले से अच्छी स्थिति में होता, परंतु आप यहां देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है, यहां पर x वस्तु की मात्रा में वो जैसे जैसे वृद्धि कर रहा है, उसे y वस्तु की मात्रा को पहले से कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब उपभोक्ता की स्थिति ना तो अच्छी हुई ना खराब हुई, इसका मतलब उपभोक्ता सभी संयोगों को समान प्राथमिकता देगा। समान प्राथमिकता देने की वजह से इस वक्र को अनाधिमान, यानी कि किसी को भी अधिमान नहीं है, अनाधिमान वक्र भी कहते हैं। तो अनाधिमान वक्र या तटस्था वक्र क्या होता है, एक बार और समझ लेते हैं। तटस्था वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तटस्था वक्र पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वे सभी के सभी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। इनमें से ना तो कोई संयोग उपभोक्ता को अधिक पसंद आएगा, ना ही कोई संयोग कम पसंद आएगा। उपभोक्ता के इस व्यवहार के कारण इसको तटस्था वक्र कहते। अगर हम बात करें आईसी की विशेषताओं के बारे में, तो इसकी पहली विशेषता है कि आईसी का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आईसी का ढाल है वो ऐसा होगा, ऋणात्मक होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा भी नहीं हो सकता, और वो ऐसा भी नहीं हो सकता। आईसी का ढाल ऋणात्मक होने का अर्थ है कि अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आईसी का ढाल धनात्मक ढाल का है, इस तरीके का है, इसमें ए और बी दिखाया हुआ है, ए बराबर बी, लेकिन अगर आईसी का ढाल धनात्मक ढाल का है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो हमारी वाई वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में एक दिष्ट अधिमान होने के कारण उपभोक्ता बी को अधिक पसंद करेगा ए की तुलना में, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि आईसी के सभी संयोग समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। इसी प्रकार अगर ए और बी भी बराबर नहीं है, यह भी स्थिति नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस स्थिति में भी आप देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता को एक्स वस्तु की मात्रा तो समान मिल रही है, लेकिन बी संयोग वाई वस्तु की मात्रा अधिक प्रदान कर रहा है। इसी तरीके से आईसी का ढाल वाई अक्ष के समान, एक्स अक्ष के समांतर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता को एक्स वस्तु से अधिक, एक्स वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त हो रही हैं जबकि वाई वस्तु की मात्रा समान है। मतलब इन शॉर्ट की अगर हम बात करें तो आईसी का ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा, जो दर्शाता है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। आईसी का ढाल कभी भी वाई अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बी संयोग है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, ए संयोग कम संतुष्टि प्रदान करेगा। इसी प्रकार ओ एक्स के समानांतर भी नहीं हो सकता, और इसी प्रकार वो धनात्मक भी नहीं हो सकता। दूसरी इसकी विशेषता है आईसी का ढाल उन्तोदर होता है। उन्तोदर का मतलब हुआ कि अगर आप एक्स वस्तु की, उन्तोदर का मतलब हुआ कि अगर आप एक्स वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि कर रहे हैं तो जो वाई वस्तु का त्याग है वो लगातार घटता चला जाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में आईसी का ढाल उन्तोदर होगा, इस तरीके से होगा। आईसी का ढाल एक सीधी रेखा में भी हो सकता है, यह उस स्थिति में संभव है जब एक्स वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने पर वाई वस्तु का जो त्याग है वो भी समान रहता है। इस स्थिति में आईसी का जो ढाल होगा वो सीधी रेखा में होगा।
और यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यह तभी संभव है जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो। इसी प्रकार आईसी का ढाल नतोदर भी हो सकता है, जैसे तब होगा जब एक्स वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने पर वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि त्याग की जो दर है वो बढ़ती चली जाएगी। इस स्थिति में आईसी का ढाल नतोदर होगा, और ऐसा तभी होगा जब दोनों एक्स पर जो वस्तु है वो इकोनॉमिकल बैड है। इसका मतलब यह हुआ कि आईसी का ढाल नतोदर होगा, यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने पर वाई वस्तु का जो त्याग है वो घटता चला जाएगा। न तो वो सीधी रेखा में हो सकता है और ना ही वो नतोदर हो सकता है। अतः जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा की समान इकाई कराओगे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, जो डेल्टा वाई है वो कम होता चला जाएगा। इसकी तीसरी विशेषता है कि ऊंचा आईसी अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, यानी कि जो आईसी ऊंचा होगा वो अपने नीचे वाले से अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है आईसी वन, आईसी वन एक अनादिमान वक्र है, इसके ऊंचा है आईसी टू। अब इन दो वक्रों में से जो आईसी टू है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा और आईसी वन कम संतुष्टि प्रदान करेगा। इसका कारण यह है कि इस पर वस्तुओं की मात्रा कम है और इस पर वस्तुओं की मात्रा पहले से अधिक है, यानी कि जो ऊंचा आईसी होगा वो हमेशा अपने निचले वाले आईसी से अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, यानी कि जो आईसी नीचे होगा वो कम संतुष्टि प्रदान करेगा और जो 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 ऊंचा होगा वो अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अभी हमने कहा था कि तटस्था वक्र के सभी संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पर बी संयोग ए संयोग से अधिक संतुष्टि इसलिए प्रदान कर रहा है क्योंकि बी एक ऊंचे आईसी पर है और ए एक निचले आईसी पर है। अगर हम यहां पर सी संयोग बना दें तब ए बराबर सी होगा, लेकिन उस स्थिति में भी जो बी ए बराबर सी होगा, इस स्थिति में भी जो बी संयोग है वो आपको अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, यानी कि अगर हम ये मान लें कि दो आईसी हैं आईसी वन और आईसी टू, ये दोनों एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां पर बी बिंदु स्थित है, यानी कि ए और बी दोनों उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे क्योंकि दोनों आईसी वन पर स्थित हैं। इसी प्रकार से ए और सी भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि ही प्रदान करेंगे क्योंकि दोनों आईसी टू पर हैं। यानी कि यदि ए बराबर बी और ए बराबर सी तो ट्रांसिटिविटी के मान्यता के अनुसार बी और सी को भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन चित्र से स्पष्ट है कि जो सी संयोग है वो बराबर नहीं है बी के, बल्कि सी संयोग बी संयोग की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, आईसी कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता। हमारी यह मान्यता है कि उपभोक्ता कम से कम दो वस्तुओं का प्रयोग जरूर करेगा, दो वस्तुओं का प्रयोग अवश्य करेगा। अगर कभी वो वाई अक्ष को टच कर जाता है, सपोज वाई अक्ष को टच कर जाता है, जैसे कि यहां पर नीचे एक्स वस्तु दिखाई हुई है और ऊपर वाई वस्तु, मान लीजिए वो इस वस्तु यहां पर टच कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो वाई वस्तु की तो ओए मात्रा का प्रयोग कर रहा है लेकिन एक्स वस्तु की कोई मात्रा प्रयोग नहीं कर रहा। इसका मतलब वो केवल वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि उपभोक्ता कम से दो वस्तुओं का ही प्रयोग करेगा। इसी तरीके से उपभोक्ता का जो जो आईसी है वो कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैसे एक्स अक्ष को अगर वो स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु का ही उपभोग कर रहा है। अगर हम समरी की बात करें तो इसकी पांच विशेषता हुई। पहली, आईसी का ढाल ऋणात्मक होता है, आईसी का ढाल नतोदर होता है, ऊंचा आईसी अधिक संतुष्टि देगा, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते और आईसी कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।